मैं सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट सेपरेटली बता दूं, मैं बीच में भी रिपीट करूंगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। इसकी फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी एलैबोरेट होती है जिसकी वजह से इतना मजे का बनता है। सबसे पहले केक के लिए सुन लें, केक के लिए हम 2 1/4 कप फ्लावर यानी मैदा लेंगे, शुगर हम लेंगे 1 1/4 कप, 3/4 कप हमारा कोको पाउडर होगा, बेकिंग सोडा हमारा 1 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर हमारा होगा 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, मिल्क 1 कप, 1 कप माइलो पाउडर, ऑयल 1 कप, 3 eggs, योगर्ट 1 कप एंड वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अब फ्रॉस्टिंग के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप बटर, कोको पाउडर 3/4 कप, क्रीम 1/2 कप, माइलो पाउडर हमारी फ्रॉस्टिंग में भी डलेगा, 3 कप आइसिंग शुगर एंड 4 to 5 टेबल स्पून क्रीम चीज के। तो चलें लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमने 2 1/4 कप मैदा लेना है, ये 2 कप हो गया और ये 1/4। बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, हमने चीनी डाली है 1 कप और 1 कप के साथ हम डालेंगे 1/4 कप, ये 1/4 कप हम डाल देंगे और साथ ही हमने कोको पाउडर भी डाला है 3/4 कप, 1 कप से थोड़ा कम जाएगा। इसमें हमने माइलो भी डालना है, आप इनको छान लें। अब हमने बेकिंग सोडा डालना है 1 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून और ये 1/2 टीस्पून। अब हम बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, पहले हमने बेकिंग सोडा डाला था 1.5 चम्मच और अब 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का डालेगा। अब इसमें हम सॉल्ट डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रीडियंट जिसकी वजह से ये केक सबसे यूनिक बनता है वो है माइलो। चले अब हमने 1 कप माइलो का ले लिया, ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो चुके हैं, हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अब मिक्स कर लेंगे। अब टाइम है हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स का, सबसे पहले हमने 1 कप दूध लिया है 1 कप मिल्क और साथ ही हमने 1 कप ऑयल ले लिया है। अब हम इनको बीटर से बीट कर लेंगे। अब हम 3 अंडे डालेंगे, 1 अंडा और फिर बीट कर लेंगे, दूसरा अंडा, बारी बारी हम इसमें 3 अंडे डाल लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस का डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसके अंदर 1 कप दही डालेंगे, वैसे आप सार क्रीम भी यूज कर सकते हैं लेकिन हमें दही ज्यादा सूट करता है। अब अच्छी तरह से इसको बीट करके हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसको अब हमने पैन को ऑयल और बटर पेपर लगा लेना है। ये जो मटेरियल हमने बनाया है ये एक बड़े ह्यूज बेकरी साइज केक का है, हमने इसको दो दफा हम पैन में करेंगे ताकि बीच में से कटिंग करके फ्रॉस्टिंग लगाने वाला एफर्ट ना करना पड़े। इस तरह हमारे पास दो पीसेस ऑलरेडी होंगे, हम बस बीच में फ्रॉस्टिंग लगाएंगे और उसको असेंबल कर देंगे। तो ये हम अब मटेरियल को 1/2-1/2 करके बेक करेंगे। इसके इंग्रेडिएंट ज्यादा है, मिक्सिंग एलैबोरेट है, फ्रॉस्टिंग थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन स्टिल इट्स 1/2 द प्राइस जो आपको बाजार में मिलेगा, बाजार में आपको ये 3000 से कम नहीं मिलेगा। हमने प्री हीटेड ओवन में इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट्स के लिए रख दिया है। अब हमारा केक
केक हम चेक करने लगे हैं। फर्स्ट लेयर हमने उतार ली थी, अब हमारी ये सेकेंड लेयर है जिसको हमने बटर पेपर की बजाय मैदे से किया, एंड इट्स कमिंग आउट क्लीन। इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक है। अब हमने फ्रॉस्टिंग स्टार्ट करनी है। इसके लिए हमारी चीनी, माइलो हमने लिया है, मॉल्टिंग पाउडर, आप ओवल्टीन भी ले सकते हैं, बटर, क्रीम चीज, क्रीम, कोको पाउडर इज रेडी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमने 225 ग्राम्स ऑफ सॉफ्टन बटर लिया है। सॉफ्ट होगा तभी फ्रॉस्टिंग इसकी सही बनेगी। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून क्रीम चीज डाल रहे हैं और फिर हम इसको दोबारा बीट करेंगे। अब इसमें हाफ कप कोको पाउडर डाल रहे हैं और साथ ही हम हाफ कप माइलो डाल रहे हैं। तो डाल के हम दोबारा से इसको बीट करेंगे। अब इसमें 1 कप क्रीम डाल देंगे जिससे वो ज्यादा क्रीमी और सॉफ्ट बनेंगे। अब ये काफी थिक हो गया और हम इसमें 3 कप आइसिंग शुगर डाल देंगे। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं और अब हमारी फ्रॉस्टिंग तैयार है। अब हम असेंबली की तरफ आते हैं।